इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो भी बच्चे सीयूटी यूजी 2024 में अपना एडमिशन ले चुके हैं, वो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि एडमिशन लेने के बाद हमको क्या करना है, हमारी फी रिसिप्ट आएगी कि नहीं आएगी, हमारा एडमिशन कार्ड कब आएगा, हमारा इनरोलमेंट कब से होगा, ये सारी सूचना इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देने वाले हैं। जितने भी बच्चे अभी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हैं वो सभी सबसे पहले हमारे चैनल से जुड़ जाइए और हमारे टेलीग्राम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस को आप फॉलो कर लीजिए और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। एक व्हाट्सएप नंबर भी हम जारी करने वाले हैं बहुत ही जल्द, उस पर आप लोग अपना नाम, अपना कोर्स, अपना कॉलेज कैंपस वो लिख के जब भेजेंगे तब हम अपने मोबाइल में, वो मेरा खुद का पर्सनल नंबर रहेगा, मैं आपको शेयर करूंगा, तब आप उसमें अपना पूरा भेजिएगा तो मैं आपको सेव कर लूंगा और आप भी हमारा नंबर अपने पास सेव कर लीजिएगा, जिससे कि भविष्य में व्हाट्सएप के ग्रुप हुए, जो भी आपको नोट्स हुई, जो भी सारी चीजें हुई, हम आपको प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करेंगे। सबसे मुद्दे की बात करते हैं, जिनका एडमिशन हो चुका है वो बच्चे अब क्या करें। अभी आप एक बात जान लीजिए, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का नया सेशन है वो 30 सितंबर से स्टार्ट होगा, यानी कि 30 तारीख से आपकी क्लासेज स्टार्ट होंगी। क्लासेज स्टार्ट होने से पहले आपको ये भी बताना है कि 24, 25, 26, 27 इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और अफिलेटेड कॉलेज में बैक पेपर और इम्प्रूवमेंट का एग्जाम है। 28 और 29 को सैटरडे संडे पड़ जाएगा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि यूनिवर्सिटी सैटरडे संडे बंद रहती है। अभी 18, 19, 20 को यूनिवर्सिटी खुली है, आपको ये पता होना चाहिए कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की हॉस्टल्स का भी फॉर्म आ गया है। पहले तो आपके लिए ये जरूरी है कि पहले आप छात्रावास के फॉर्म को भरिए, जो भी लड़कियां हैं वो गर्ल्स हॉस्टल में फॉर्म भरें, जो भी लड़के हैं वो बॉयज हॉस्टल में फॉर्म भरें। जब हॉस्टल का फॉर्म आप भर देंगे तो उसकी हॉस्टल की लिस्ट आएगी, हॉस्टल की लिस्ट आने के बाद आपको हॉस्टल अलॉट होगा, ये तो बात बात की हुई। जो बच्चे बीए बीएससी बीकॉम के हैं इनका सबका जो है फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होगा, इनका सबका इनरोलमेंट होगा। अभी किसी भी विभाग में इनरोलमेंट होना स्टार्ट नहीं हुआ है, तो अभी आप लोग परेशान मत होइए, जब इनरोलमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा तब हम आपको बता देंगे। जो बी एलएलबी के बच्चे हैं, जैसे कि कॉलेज में जिनका एडमिशन हुआ है वो कॉलेज में अपना वेरिफिकेशन करवा लें, अभी इसकी भी बात करेंगे, लेकिन पहले कैंपस की बात करते हैं। बी एलएलबी के भी बच्चों का इनरोलमेंट होगा, वो उनके डिपार्टमेंट में होगा, तो जब उनका होगा तो हम आपको बता देंगे। इसके बाद बात करते हैं हम बीएससी की, बीएससी की अभी मेरिट लिस्ट नहीं आई है, तो उनकी मेरिट लिस्ट जब आ जाएगी, आपका प्रैक्टिकल हो गया है, तो फिर आप अपने डिपार्टमेंट में जाके अपनी फीस को सबमिट ऑनलाइन करेंगे, जिनका जिनका नाम आएगा फिर आप डिपार्टमेंट में अपना एनरोलमेंट करवाएंगे। बीपीए की भी, ये भी एक मेरिट लिस्ट आई है, अभी इनकी कई मेरिट लिस्ट आने वाली है, तो उनका भी एडमिशन अभी चल रहा है। इसके साथ साथ जो भी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के, जैसे बीवॉक मीडिया प्रोडक्शन, बीए मीडिया स्टडीज, बीबीए एमबीए और बीसीए का कोर्स हुआ, 5 ईयर इंटीग्रेटेड जो कोर्स हुआ, इन सबका कट ऑफ आ रहा है, आप एडमिशन जमा कर रहे हैं, वो यूनिवर्सिटी ड्यूज कट रही है, जैसे 5500 आपने यूनिवर्सिटी ड्यूज कटी आपकी। इसके बाद आपकी कोर्स फी अलग होती है, वो कोर्स फी आप अपने डिपार्टमेंट में जाएंगे, यानी कि जो आपका डिपार्टमेंट है, जैसे बी वॉक मीडिया प्रोडक्शन और बी ए मीडिया स्टडीज के बच्चे आईपीएस डिपार्टमेंट सेंटर ऑफ मीडिया स्टडीज में आएंगे, बी वॉक फूड प्रोसेसिंग के बच्चे साइंस फैकल्टी में वहां स्थित है, वहां पे अपने डिपार्टमेंट जाके अपनी कोर्स फी सबमिट करेंगे, जो उनकी सेमेस्टर की कोर्स फी है। जैसे बी वॉक मीडिया प्रोडक्शन का 32,000 है, बीए मीडिया स्टडीज का 29,000 फीस है, तो आप जाके डिपार्टमेंट में सारे डॉक्यूमेंट के साथ जाएंगे, आपको डिपार्टमेंट से फोन भी जा रहा होगा, आप जाके वहां अपनी कोर्स फी सबमिट करें, तभी आपका इनरोलमेंट माना जाएगा। ये प्रोफेशनल कोर्सेज की बात हमने कर ली, इसके पहले हमने बीए बीएससी बीकॉम की बात की है कि अभी आपका इनरोलमेंट नहीं हो रहा है, जब अभी आपके विभाग इनरोलमेंट करना स्टार्ट कर देंगे तब हम आपको वीडियो के माध्यम से सूचना दे देंगे, अभी आपको परेशान नहीं होना है। एडमिशन कार्ड इस बार नहीं आ रहा है, इस बार समर्थ पोर्टल से एडमिशन हो रहा है, तो आपके पास एक नॉलेज स्लिप होगी और आपको जो यूनिवर्सिटी ड्यूज कटा है, जो आपकी फीस कटी है, उसकी आपकी फी रिसिप्ट की स्लिप होगी, वो आप अपने स्क्रीनशॉट उसको रख लीजिए, वही आपका काम करेगा। रिमार्क पे आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है तो उसका भी स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इस बार एडमिशन कार्ड आपका नहीं आएगा, ये वीडियो मैंने पहले भी बनाया है और ये वीडियो मैं अभी भी बना रहा हूँ, ये बात मैंने कर ली। अब कॉलेज की सीरीज पे आते हैं, कॉलेज में बात करें सीएमपी डिग्री कॉलेज की, सीएमपी डिग्री कॉलेज में जब एडमिशन आपका ऑनलाइन हो रहा है तो उसके बाद वहां पे नीचे लिखा है कि इतने से इतनी तारीख के बीच में आप आके फिजिकल वेरिफिकेशन कॉलेज में करवाएं, तो आप लोग जो सीएमपी के बच्चे हैं उनकी सूचना उनके एडमिशन कार्ड पे ही दी जा रही है जब आप एडमिशन करवा रहे हैं। आईएसडीसी की बात करें तो यहाँ पे एडमिशन अभी चल रहा है, एडमिशन जब खत्म हो जाएगा तो डेट जारी होती है फिजिकल वेरिफिकेशन की, तो वहां पे वो डेट जारी होगी तो उसके हिसाब से आप करवाइएगा। इलाहाबाद डिग्री कॉलेज में ऑफलाइन एडमिशन चल रहा है तो फिजिकल वेरिफिकेशन की कोई आवश्यकता ही नहीं है, एसपीएम में ऑनलाइन चल रहा है, बाद में इसका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। एसएस खन्ना, आर कन्या, आरटीएमएम, यहां पे
ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन एडमिशन हो रहा है, तो यहाँ पे फिजिकल वेरिफिकेशन की कोई आवश्यकता ही नहीं है। एडमिशन अगर आप ले लिए तो आप अपनी क्लास व्लास को बाद में कर सकते हैं। ECC में ऑनलाइन एडमिशन चल रहा है, तो यहाँ पे फिजिकल वेरिफिकेशन एकदम लास्ट में होगा, जब आपका एडमिशन हो जाएगा फिर आपको बुलाया जाएगा। तो ये सारी सूचनाएं पूरी जानकारी मैंने एक साइकिल में आपको बता दी। तो जो बच्चे अभी बीए बीएससी बीकॉम में एडमिशन ले लिए हैं वो अपने रहने वहने की व्यवस्था पहले करें, क्लासेस के लिए मत परेशान हो, क्लास आपकी 30 सितंबर से स्टार्ट होगी, तो इस वजह से पहले अपने रहने की व्यवस्था बनाएं, अभी आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत हो। लेकिन जो प्रोफेशनल कोर्सेज के विद्यार्थी हैं वो अपने कोर्स फी को जाके डिपार्टमेंट में सबमिट करें, लेकिन बीए बीएससी बीकॉम बीएलएलबी के बच्चों को परेशान मेन कैंपस के अभी नहीं होना है, बीएफए बीपीए के बच्चों को नहीं परेशान होना है। अभी सिर्फ बीवॉक बीए मीडिया स्टडीज प्रोफेशनल कोर्सेज के बच्चों को भी अपने डिपार्टमेंट में जाके कोर्स का फी सबमिट करना है। एडमिशन होने के बाद इनरोलमेंट का प्रोसेस होगा, इनरोलमेंट कब होगा वो मैं आपको बता दूंगा, वो आपके डिपार्टमेंट में होगा मैं बता दूंगा आपको, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। बस आपको जुड़े रहना है किससे, अभिनव द्विवेदी से और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस से, और कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए, लेकिन आप टेंशन फ्री रहिए। आप इतने सवाल, सबसे ज्यादा सवाल एडमिशन के बाद क्या करें, फी रिसिप्ट आएगी कि नहीं आएगी, एडमिशन कार्ड नहीं आएगा, एक नॉलेज स्लिप आपके पास होगी जो मिला होगा एडमिशन के टाइम, और आपके पास आपकी फी रिसिप्ट होगी, उस हिसाब से आपका सारी चीजें उसी से गवर्न होंगी। ये पूरी जानकारी थी, पूरी सूचना थी। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका नहीं चेंज होगा, जो एक बार कॉम्बिनेशन मिल गया है वो कॉम्बिनेशन मिलता रहेगा। साथ ही साथ और भी कोई सूचना अगर बचती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज करके हमको याद दिलवा दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, थैंक यू।